हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एच डी सॉल्यूशन। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज अंकित कुमार, दिस इज सी प्रोग्रामिंग हिंदी ट्यूटोरियल। तो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं प्रॉपरली। तो मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, सबसे पहले आपको ये ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल रहा है एके एच डी सॉल्यूशन से, जहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल मिलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी वीडियोज अपलोडेड कर दिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अभी इधर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यहाँ पे ट्यूटोरियल आए हैं। और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे काफी लेक्चर आने वाले हैं, जिससे कि आप लैंग्वेजेस होंगी उनके आप ट्यूटोरियल यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेज को, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एचडी सॉल्यूशन को एंड वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सो लास्ट के लेक्चर में आपको बता दूं स्टूडेंट मैंने क्या किया था। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एसटीआर, ये हमारा सीपी एंड एसटीआर कैटिनेट जो होता है कैट, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको करके बताया था कि एग्जांपल, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा था, आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट यहाँ पे सी एम पी कंपेयर और रिवर्स देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट देखिएगा, मेरे को देखना है यहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे को सबसे पहले कंपेयर करना है एंड उसके बाद रिवर्स करना है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग के बीच में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं वीएस कोड के अंदर, यहाँ पे बनाऊंगा नई फाइल। तो यहाँ पे str_5 के नाम से फाइल बना लूंगा, .c अंडरस्कोर करना था, मैंने हाइफन लगा दिया था। ओके, 5.c के नाम से मैंने फाइल बनाई एंड उसके बाद हैशटैग इंक्लूड लिया stdio.h एंड int main हम यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, रिटर्न। ओके, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। एंड उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न 0 एंड हाँ ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे str एक मेरे को हैशटैग स्ट्रिंग भी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे string.h में यहाँ पे ऐड कर लूँगा, मैंने यहाँ पे string.h ऐड कर लिए। एंड सेकेंडली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो स्ट्रिंग लेंगे जो हमको इनपुट लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे करेक्टर के स्ट्रिंग ही बना लेने हैं। कैर str1 मैं यहाँ पे लूँगा एंड इसकी एक कोई स्क्रिप्टिक दे दूंगा, मान लीजिएगा मैंने 2 दिया एंड उसके बाद str2 मैंने यहाँ पे ले लिया, str2 लिया एंड इसके अंदर भी मैंने 2 दे दिया। ओके, एंड उसके बाद हमको करना क्या है, देखिएगा मैं इनपुट लूंगा तो मैं प्रिंट एफ करूंगा एंड करूंगा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैं यहाँ पे करा लूंगा एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्कैन एफ लेना है एंड स्कैन एफ के अंदर मैंने आपको बता ही रखा है कि इसके हम कैसे करते हैं स्कैप, ये यहाँ पे लेने के बाद एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली \n का यूज करते हैं एंड यहाँ पे s के साथ एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे str first यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, str first यहाँ पास करोगे, ampersand आप यहाँ लगा देंगे एंड उसके बाद करेंगे आप यहाँ पे सेमी कोलन। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ तक कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं पेस्ट एंड हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा फर्स्ट की जगह। ठीक है, सेकेंड मैंने किया एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस का यूज़ कर लेंगे क्योंकि पहले हमने स्ट्रिंग एक इनपुट करा लिया है, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने दोनों करा लिए। अब देखिएगा सबसे पहले मेरे को करना क्या है कि मैं कॉन्कैटिनेट कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं str cmp। ठीक है, तो मैंने cmp किया एंड उसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग लिया मैंने, तो str first लूँगा एंड उसके बाद str second में यहाँ लेने वाला हूँ। ठीक है, ओके, 2 मैंने यहाँ पे लिया एंड उसके बाद हम नॉर्मली इस तरह चल सकते हैं। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लेंगे। ठीक है, इंट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, तो मैं यहाँ पे काउंट ले लूँगा। ठीक है, काउंट लिया, काउंट के इक्वल है मैंने इसको कर लिया, यहाँ से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, इस तरह से 0 और 1 की फॉर्म में एंड कंडीशन चेक करेंगे इस वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया, अगर काउंट इक्वल हो 0 के, यहाँ पे 0 के इक्वल हो तो हम प्रिंटिंग करा देंगे क्या कि स्ट्रिंग इज सेम, तो यहाँ पे सेम ही करा दे रहा हूँ। ठीक है, या यस करा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यस हम मैंने कराया एंड उसके बाद अगर एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है मेरे पास, एल्स वाले के अंदर हम क्या कराएंगे, नो करा देंगे। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग कराई एंड यहाँ पे मैं नो करा दूंगा। ठीक, ओके, मैंने ये कराया एंड उसके बाद मैं करता हूँ, पहले इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा एंड उसके बाद हम करते हैं सेव। मैंने सेव किया और इसको करूँगा मैं एग्जीक्यूट, थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं करता हूँ akhd। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड में भी akhd मैंने किया, एंटर किया, देखिएगा उसके बाद नो आ गया सेम, तो गलत आ रहा है, इसका मतलब हमको कुछ कंपेयर हमारी सही से नहीं हुई है, हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम डीबगिंग करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर गलत क्यों आया था, तो हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने किया, हाँ स्टूडेंट हमको इसको क्या करनी है, इसकी लेंथ थोड़ा इंक्रीज करनी है क्योंकि लेंथ हमारी कम थी तो वो गार्बेज में चला जा रहा था, इस वजह से हमारा वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा था। हम करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं क्या आने वाला है, देन मैं करूँगा akhd
एंड उसके बाद AKSD में करता हूँ, देखिएगा यस आ गया है। एंड इसको मैं सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ से, एंड मैंने किया एग्जीक्यूट, तो अभी क्या आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे AKSD मैंने किया और यहाँ पे सोल्यूशन मैंने किया तो उसके बाद नो आने वाला है। तो अब ये क्या करता है, पर बाई पर पर बिट चलती है यहाँ पे, जो मैंने आपको ये SKI टेबल दिखाई थी, देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है, ये ABCD ये जो आपने लिखे थे ना करेक्टर, इनको नहीं मैच करता, वो मैच करता है इन SKI वैल्यू को। मान लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे AK97 है, बी ए, उसके बाद में AKSD कर रहा था, AK97 है, क्या 97 इक्वल है 97 के, तो यस 97 है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या कहा, मैंने ए कहा था तो 107 था, एंड उसके बाद एस में था, एस के बाद चलते हैं तो 115 था, एंड उसके बाद डी था, डी में 100 था। ठीक है, इस तरह से मैच होती है। अब अगर मैं यहाँ पे ए के साथ, अगर ए के सामने ए लिखते, ए की तो 97 है बट एस की कितनी है, मैंने ऐसे लिखा था तो 115 है, तो वो कंपेयर ही नहीं होगी। अगर एक भी बिट कंपेयर नहीं हो रही है ना, तो वो क्या करता है, उसको वहीं पे टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, एंड कंपेयर का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम सेकंड वाला देखते हैं, हमको करना क्या था, सेकंड वाले में हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली उस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला हम मेथड यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसको कैसे यूज करेंगे देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनपुट नहीं लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इनपुट नहीं लूंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वर्क परफॉर्म करने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे STR2 में यहाँ पे लिखता हूँ, एंड रिवर्स करने के लिए हमको करना क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके ये जो स्ट्रिंग पास करना होता है एक्चुअल वाला, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में यहाँ पे STR REV कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, REV, ओके, क्या था हमारा रिवर्स के लिए, STR REV, तो STR REV मैं किया यहाँ पे, और उसके बाद मैं कौन सा एक्चुअल स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग वन है वो मैं यहाँ पास कर दूंगा, एंड उसके बाद हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट नॉर्मली। STR2 में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे STR 25। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओके, एंड उसके बाद ये नहीं लेंगे हम यहाँ पे, इसको ही मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। ठीक है, मैंने इरेज किया, एंड यहाँ पे ठीक है, देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से हटाएंगे, एंड उसके बाद हम कराएंगे इसको प्रिंट, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप चलाने के बाद STR, जब तक कि STR का वन जो लिखा है इन्होंने यहाँ पे, वन जब तक कि नोट इक्वल हो किसके, नल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नल यूज़ कर लूँगा, एंड नल मेरे को ये यूज़ करना है, एंड मैं प्रिंटिंग इसकी कराऊंगा, यहाँ पे मैं प्रिंटिंग करा लूँगा, प्रिंटिंग हम कराएंगे STR की, तो प्रिंटिंग हम कराएंगे एंड परसेंट टाइप सी के साथ, आपको पता है मैंने बताया था, एंड उसके बाद किसको कराऊंगा, STR I को। ठीक है, मैंने I कराया यहाँ पे, I कराया, ओके, एंड यहाँ पे मैं किस क्या करूँगा, I को प्लस प्लस कर दूंगा, I++ मैंने यहाँ पे किया, एंड यहाँ पे भी मेरे को क्या लेना होगा, I लेना होगा। तो मैं अगर यहाँ पे भी I लेता हूँ इंडेक्सिंग वैल्यू, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे int i = 0 कर दूंगा, एंड देखते हैं अभी हमारा एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या आता है। मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे STR, अगर मैं AKSD करता हूँ तो उसके बाद क्या आता है, देखो डी, ये DSKA आ गया। तो अगर हम इसको रिवर्स कराना चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो हम इस तरह से रिवर्स करा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है, नॉर्मली हम रिवर्स कराएंगे इसको। हम वैसे भी करा सकते हैं, अगर हम इस मेथड को यूज़ ना करें तो हम इसके अलावा भी करा सकते हैं, वो कैसे कराएंगे मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। सो स्टूडेंट, ये देखिएगा रिवर्स को आपने देखा, एंड यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कैसे कंपेयर करते हैं। सो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड AKSD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक